होम्योपैथी में तब आए जब हमें इसके ऊपर का जो हमें बताया जाता है नहीं मिला, लेकिन जब ये मिला तो इसमें क्या करना है, कुछ नया करना है, कुछ स्पेशल करना है, तभी आप इस तरह से सबके बीच में आ सकते हैं। कुछ पंक्तियां जो मैंने स्टूडेंट टाइम में लिखी थी, अमित होम्योपैथिक फिजिशियंस बरेली शाखा का अध्यक्ष प्रेसिडेंट, और आज ये हम लोग एक CME ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंप्लीटेड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम होम्योपैथिक के संदर्भ में, जिसमें हमारे बीच में है मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ जिले के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, जो पूरे इंडिया में होम्यो ऑर्थो हीलर के रूप में मशहूर है। होम्यो ऑर्थो हीलर मीन्स कि उन्होंने अपने सारे शोध ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर करे हैं, और किस तरह से होम्योपैथिक के साथ ऑर्थोपेडिक्स में और अस्थि रोगों में होम्योपैथिक का रोल है, उनके मेडिसिन का और मैनेजमेंट का रोल है। डॉक्टर श्रीवास्तव ये बताते हैं कि बहुत सी बीमारियों में सिर्फ दवा से काम नहीं चलता, बल्कि मैनेजमेंट पार्ट बहुत ज़रूरी होता है, और वही चीज़ वो आज हमारे बीच में लेके आए हैं कि बहुत से मैनेजमेंट पार्ट में, जैसे कि रिहैबिलिटेशन जिसको हम बोलते हैं, कि जिस वक्त में अगर बच्चा है या कोई ओल्ड एज का पर्सन है जिसको बहुत से मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डी खोखली हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सिर्फ दवाइयों से आप उसको हड्डी को मजबूत नहीं कर सकते जब तक कि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और डॉक्टर श्रीवास्तव अपने बहुत से अनुभवों से उसको ठीक करते हैं, मेटाबॉलिक बोन डिजीज को सपोर्ट देके, उन हड्डियों को सपोर्ट देके जो वीक हो चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा मुलायम पड़ गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, उन हड्डियों को वो सपोर्ट देते हैं ब्रेजेस से और बहुत सी अलग अलग टेक्निक से वो उनको सपोर्ट देके और अलॉन्ग विद होम्योपैथिक मेडिसिन उसको ठीक करते हैं। उसी चीज़ को आज वो लेके हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी चिकित्सकगण हैं बड़वानी शहर के, जो यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सकगण आए हैं, उनके बीच में अपने अनुभवों को वो साझा करते हैं।